अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं। कुछ दिनों तक उपचुनाव की तैयारी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सियासी दल जुट गए हैं और ऐसे में सियासी फायदा उठाने के लिए कोई विलय का खेल खेल रहा है तो कोई गठबंधन के ऑप्शन तलाश कर रहा है। समाजवादी पार्टी भी लगातार अपने आप को मजबूत कर रही है और अपने दायरे को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और शुक्रवार का दिन समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम रहा, क्योंकि शुक्रवार के दिन समाजवादी कुनबे की ताकत में इजाफा हो गया और कभी मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कद्दावर नेता ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और अपनी पार्टी का उसमें विलय कर लिया। हम बात कर रहे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलाकांत गौतम की, जिन्होंने अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में करवा दिया। कमलाकांत गौतम के साथ उनके दर्जन भर बीएसपी नेताओं ने भी सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस मौके पर कमलाकांत गौतम ने कहा कि मैंने बीएसपी छोड़कर बहुजन उत्थान पार्टी बनाई थी, आज मैंने अपनी पार्टी बहुजन उत्थान पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया। हम पूरी ताकत से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी से डरे हुए समाज का सपा के साथ उनका भय दूर करेंगे और उनको एक नई पहचान देने की कोशिश करेंगे। कमलाकांत गौतम के समाजवादी पार्टी में आने से समाजवादी पार्टी की ताकत में इजाफा हुआ है और इससे कहीं न कहीं मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी का काम अखिलेश यादव ने किया है। कमलाकांत गौतम को पार्टी में शामिल करने के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर विपक्षी दलों पर कटाक्ष किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि कमलाकांत के साथ आने से समाजवादी पार्टी मजबूत होगी और 2022 में सरकार बनाने का समाजवादी पार्टी का सपना पूरा होगा और इस सपने के लिए कमलाकांत गौतम और उनकी टीम हमारे साथ मिलकर काम करेगी और प्रदेश में 2022 में सत्ता परिवर्तन करेगी। अखिलेश यादव के दावों में क्या सच्चाई है वो आने वाला वक्त बताएगा। क्या वो सच में सत्ता परिवर्तन करने में संभव होंगे वो आवाम फैसला करेगी और 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे कि अखिलेश यादव के दावे कितने सच साबित होते हैं। लेकिन फिलहाल मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी का काम अखिलेश यादव ने बखूबी कर दिया है। कमलाकांत गौतम के साथ तमाम दर्जन भर बीएसपी नेताओं ने सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली, जिससे साफ है कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी की ताकत में इजाफा होगा और वोट बैंक भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।